हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशास टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे पेपर मटन की रेसिपी। ब्लैक पेपर मटन की रेसिपी आज हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतनी ज़बरदस्त टेस्ट है इसकी। तो इसे बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे, तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यह सनफ्लावर ऑयल लिया है। इसमें मैंने हाफ इंच अदरक डाला है स्मॉल पीस करके, और अदरक थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। तो लहसुन की 4-5 कलियां मैंने ली है, उसे भी स्मॉल पीस में कट करके इसमें डाला है। बाद में हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। तो यहाँ मैंने 1 प्याज लिया है और इसे हम मीडियम गैस के फ्लेम पे पिंकिश गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे। आप जितनी अच्छी तरीके से प्याज को भूनेंगे उतना ही मटन का टेस्ट बढ़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें हम 1 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और फिर हम इसे थोड़ी देर इसी तरीके से रखेंगे। बाद में हमें इसमें डालना है मटन। तो इसे मैंने 80% तक कुक किया है, बिना पानी डालकर मैंने इस मटन को पकाया है। अगर आप मटन पकाते टाइम इसमें पानी डालोगे तो इतनी बढ़िया टेस्ट नहीं आएगी, इसीलिए आपको बिना पानी डालकर ही इसे पकाना है। क्योंकि जब हम पकाते हैं उस टाइम मटन में से जो पानी होता है वो निकलता है, उससे ही मटन बहुत ही बढ़िया तरीके से पक जाता है। और आपको इसे कुकर में नहीं पकाना, आप सिंपली किसी भी पतीले में या कढ़ाई में इसे पका सकते हैं। उसी तरीके से पका के इस तरीके से पेपर मटन बनाइए, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। और बाद में हम इसमें डालेंगे मुट्ठी भर कर धनिया की पत्तियाँ और इसे भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के रखेंगे। आप कभी भी याद रखिए कि आप जब भी पेपर मटन बना रहे हो तो इसे पूरा नहीं पकाना, पहले हमें 80% तक ही पकाना है, फिर हम इसे पेपर के साथ पकाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो इसीलिए तो इसी स्टेज पर हम इसे ढक के रखते हैं। तो देखिए मैंने ढक के रखा था, तो थोड़ी देर के बाद ये इस तरीके का हो चुका है। हम चेक करके देखेंगे ये पका है या नहीं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा हम स्पैचुला में लेंगे और देखेंगे। तो देखिए अभी तक ये पका नहीं है, तो अब फिर हम इसे ढक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए और बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो अच्छी तरीके से मिक्स करके हम फिर इसे ढक के रखेंगे। ये पेपर मटन की रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और इंस्टेंट होने वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, इसलिए जब ये थोड़ी देर इसे पकने के लिए लगता है तो ये इसी तरह कढ़ाई में चिपक जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे निकालेंगे, नहीं तो ये जल सकता है, इसलिए इसे निकाल के फिर हम इसे ढक के रखेंगे। तो ढक के रखने के बाद फिर हम इसे चेक करके देखते हैं। अगर आप इसी मटन को चूल्हे पे बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा फ्रेंड्स, कभी कभार चूल्हे पर भी बना कर देखिए। तो मुझे लगता है अभी ये पक चुका है, मैं एक टेस्ट करके देखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मटन पक चुका है। हम अभी गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ये देखिए ये बन चुका है परफेक्ट पेपर मटन। बहुत ज़्यादा टेस्टी स्पाइसी परफेक्ट पेपर मटन की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे चावल के साथ, चपाती के साथ, भाकरी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद आने वाला है। If you like my video, please subscribe my channel and enjoy. Thank you for watching Asha's Tasty World.